अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोग अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ये जानना है तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरी वीडियो को आपने स्किप नहीं होना। हर कोई कामयाब होना चाहता है, हर किसी के कुछ ख्वाब होते हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है और कोई भी नाकाम होना नहीं चाहता है, हर किसी को कामयाबी नहीं मिलती। तो फिर ये सवाल हमारे जहन में आता है कि इस दुनिया में हर कोई कामयाब क्यों नहीं होता, क्यों वो एक एवरेज लाइफ गुजार रहा है। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आइए मैं आपको एक समझदार बुजुर्ग की स्टोरी सुनाती हूँ। एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग था, वो अपने बेटे के साथ सफर पर निकला। रास्ते में उसे एक बड़ा सारा खेत दिखाई दिया और उस खेत के दरमियान एक छोटा सा घर था। उस बुजुर्ग आदमी को बहुत प्यास लगी थी और उसने देखा कि खेत तो बहुत बड़ा है लेकिन इसके ऊपर कुछ खास तवज्जो नहीं दी गई, तो घर की तरफ चल पड़ा। उसने घर का दरवाज़ा खोला और उसके अंदर से एक दरमियानी उम्र का आदमी निकला और उसके साथ दो तीन बच्चे भी निकले जिन्होंने बहुत पुराने लिबास पहने हुए थे। उस बुजुर्ग आदमी ने उस समझदार बुजुर्ग आदमी ने पानी मांगा और पानी पीने के दौरान उसने उससे पूछा कि आप लोगों का तो खेत बहुत बड़ा है लेकिन उसके ऊपर कुछ खास तवज्जो नहीं दी गई, तो फिर आप लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि हमारे पास एक भैंस है जो बहुत ज़्यादा दूध देती है। कुछ दूध हम बाज़ार में बेच देते हैं और कुछ दूध हम खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं। बाज़ार में जो हम दूध देते हैं उससे कुछ पैसे मिल जाते हैं और बाकी दूध हम खुद ही इस्तेमाल करते हैं, इस तरह हमारा गुजारा होता है। तो रात भी हो रही थी तो रात इधर ही गुजारने का फैसला कर लिया। रात को जब सब सो रहे थे वो बुजुर्ग आदमी उठा और अपने बेटे को उठाया, चलो हम इसकी भैंस को चट्टान से नीचे गिरा देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो वो बच्चा बहुत परेशान हो गया, वो बहुत उदास हो गया कि इस आदमी ने तो हमारी मदद की है और हम इसकी भैंस को चट्टान से नीचे गिरा दें, लेकिन वो अपने बाबा के सामने बोल भी नहीं सकता था क्योंकि वो अभी छोटा था। तो वो रातों रात ही गायब हो गए, भैंस को चट्टान से नीचे गिरा दिया। बच्चा बड़ा हुआ और उसके ये बात उसके जहन से नहीं निकली और वो अपनी गाड़ी लेके उस बंदे की तलाश में निकल गया। वो वहाँ पहुँचा जहाँ पे वो बचपन में अपने वालिद के साथ गया था। वो बच्चा वहाँ पे पहुँचा और उसने देखा कि वहाँ पे तो बहुत बड़ा फलों का खेत है और फलों के खेत के बीचों बीच एक आलीशान घर है। तो उसने इस उम्मीद के साथ दरवाज़ा खटखटाया कि मुझे कहीं उस आदमी के बारे में पता ही ना चल जाए, लेकिन उसने जब दरवाज़ा खटखटाया वो हैरान रह गया कि उसके अंदर से तो वही आदमी निकला है जो उस दिन हमें मिला था। उसने उस आदमी से पूछा कि आपने मुझे पहचाना नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब अपने वालिद के साथ आप लोगों के आपके पास आया था और आपसे मिला था। तो उस आदमी ने आगे से जवाब दिया कि नहीं, मैं आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ, आप लोग तो रातों रात गायब हो गए थे और पता नहीं कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से नीचे गिरकर पता नहीं कैसे मर गई थी। कुछ दिन तो हम बहुत परेशान थे लेकिन मेरे जहन में ख्याल आया कि खेत में जो लकड़ियाँ थी वो मैंने काट कर बाज़ार में बेची, उनसे कुछ पैसे मिले, उससे मैंने फलों के बीज खरीदे और ज़मीनों पर हल चलवा कर बीज बो दिए। अल्लाह के फजल करम से मेरी फसल बहुत अच्छी हुई और आसपास के गांव में मैं बहुत बड़ा फलों का ताजिर हूँ। अगर उस दिन मेरी भैंस चट्टान से नीचे ना गिरती तो मुझे ये काम करने
का हौसला ना मिलता और अल्लाह ताला ने मेरे अंदर और मैं आज कामयाब ना होता, अल्लाह ताला ने मेरे अंदर बहुत सारे काम करने की सलाहियत पैदा की थी लेकिन मैं उस भैंस की वजह से काम नहीं कर सकता था। फ्रेंड्स, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई भैंस है जो आप लोगों को आगे बढ़ने से कुछ करने से रोक रही हो, जो आपकी कामयाबी की राह में रुकावट है? जनाब, अगर आपने भी कामयाब होना है तो इस तरह की भैंस को अपने रास्ते से हटा दें, चट्टानों से गिराकर मार दें। ये आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और इसी के साथ दीजिए फकीह रानी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।